जिसमें दोनों बाइक सवार घायल हो गए, जिसमें से एक युवक को ज्यादा चोट लगने के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, वहीं दूसरे का इलाज करने के बाद उसको घर भेज दिया गया है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जहां दो युवकों को गंभीर रूप से दो युवक घायल हो गए, एक को हायर सेंटर रेफर किया गया, वहीं दूसरे को घर भेज दिया गया है। चमोली में वेतन भुगतान की एक सूत्रीय मांग को लेकर जोशीमठ क्षेत्र में तपोवन धौली गंगा के किनारे स्थित एनटीपीएससी की निर्माणाधीन तपोवन विष्णु गार्ड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बैराज स्थल पर देश के कोने कोने से कार्यरत ठेकेदार के कर्मचारी आज धरना प्रदर्शन कर कार्य बहिष्कार करने पर उतारू हो गए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें दिसंबर से वेतन नहीं मिला, जिसके चलते उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। वहीं कंपनी प्रबंधन का कहना है कि दो दिनों के अंदर कर्मचारियों का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल कर्मचारियों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनटीपीसी डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। 3 महीना हो गया है, अभी ये फरवरी चल रहा है, दिसंबर से काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी पेमेंट 1 महीने की नहीं मिली है। लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, झारखंड से आए, यूपी से आए हैं, नोएडा से आए हैं, कोई दिल्ली से आया है, कोई इधर ही लोकल है। पेमेंट का नाम नहीं है। काम करने के लिए कहते हैं कि चलो ये उठा लो, किसी को चोट लग जाती है तो फिर कहते हैं कि हम उस टाइम तो थोड़ा दिखावट कर देते हैं, थोड़ा पट्टी बांध देते हैं, दवाई लगा देते हैं, उसके बाद कोई मरे या जिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर जनवरी फरवरी से हम काम कर रहे हैं, अभी पेमेंट एक भी पैसा नहीं मिला है, और कंपनी बोल रही है कि 1 महीना दिसंबर का पेमेंट देंगे। दिसंबर का पेमेंट हमारा राशन पानी का खर्चा का पूरा नहीं हो रहा है उससे, और जनवरी का बोल रहे अभी बाद में करेंगे। बल जैसे कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है इससे, जो दिसंबर का पैसा हमारा 3 महीने का उधारी में पूरा नहीं हो रहा, वो राशन का पूरा नहीं हो रहा। वो पौड़ी के जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 तेंदुए दिखाई देने से हड़कंप मच गया, जिसका खौफ अस्पताल कर्मियों में दिखाई देने लगा। जिला अस्पताल के एमएस पीके जैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में 2 तेंदुए दिखने से जिला अस्पताल के कर्मियों में खौफ का माहौल है। दोनों तेंदुए घूमते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने कहा कि मामले की सूचना SDM पौड़ी आकाश जोशी को दे दी गई है। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम मौके से रवाना हुई है, लेकिन अभी भी तेंदुए को देखने से जिला चिकित्सालय की आवासीय कॉलोनी में खौफ का माहौल पसरा हुआ है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में बवाल मचा हुआ है। बता दें कि संजय गुप्ता ने आरोप लगाया था कि मदन कौशिक और उनके नामित सभासदों और समर्थकों की तरफ से चुनाव में उन्हें हराने का काम किया गया। इस बीच पार्टी जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान, लक्सर के एक नामित सभासद भूपेंद्र निगम, सभासद पति मोनू बाल्मीक और पूर्व मंडल अध्यक्ष राहुल अग्रवाल सहित 4 बीजेपी नेताओं को 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया गया है। वहीं विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए नामित सभासद और सभासद पति पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि निष्कासन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। रही बात विधायक की हार की, तो अपनी हार के लिए विधायक संजय गुप्ता खुद जिम्मेदार है। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और जो हार का ठिकाना अभी कुछ नहीं है, अभी तो पेटी में बंद है। और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। अगर वो उन्होंने जो विकास किया है वो अपना क्या अपने कारणों से वो हार रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी के लिए वोट मांगने जा रहे थे, मगर जनता का एक भी कार्य नहीं किया, इसकी वजह से आक्रोश इतना था कि हमारी सीट पर भी दाव खेला जा रहा था। और संजय गुप्ता जी ने अपना खुद कबूल किया कि मैंने 4.5 साल कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए वो खुद स्वयं अपना हार का कारण बन रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता नहीं। यह आरोप लगाने वाले अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी के द्वारा जो प्रायोजित कुछ लोग थे, जो शुरू से ही पार्टी विरोधी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सदैव प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में और पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में, स्वयं विधायक जी भी, और वो भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं, चाहे पुराने मुख्यमंत्री जी का वो झोटा बिरयानी वाला विवाद हो। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।